YouTube चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं भी वर्तमान समय में बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सवर भागलपुर में पढ़ रहा हूँ। तो चलिए आज हम आपको एक नई टॉपिक के साथ इंट्रोड्यूस करें। तो मैं आज आपके लिए क्लास 11th के कृषि विज्ञान का पहला चैप्टर अध्याय 1 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कृषि की परिभाषा क्या है, उसके बाद जानेंगे कृषि एक परिचय के रूप में कि किस प्रकार से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ है और अभी किस प्रकार से हो रहा है और पहले किस प्रकार से कृषि की जाती थी। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राग वैदिक काल के बारे में कि वैदिक काल से जो पहले की घटना है वो क्या क्या हुई थी, यानी कि कृषि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कृषि एंड एग्रीकल्चर एज एन इंट्रोडक्शन एंड व्हाट हैपेंड इन प्री वैदिक पीरियड। इन तीनों टॉपिक के बारे में आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कृषि के परिभाषा क्या है। तो कृषि ये जो शब्द है, एग्रीकल्चर जो शब्द है, वो मुख्य रूप से दो लैटिन भाषा से बना हुआ है, एगर और कल्चुरा या कुलचुरा जो भी, तो इन दोनों शब्द से मिलकर के बना हुआ है। और आपको क्या याद रखना है, ये दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। किस कहां से लिया गया है, द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर एंड कुलचुरा, ये और कल्चरा। तो कृषि शब्द जो है कहां से लिया गया है, तो वो लैटिन से लिया गया है। कृषि शब्द जो है दो लैटिन शब्द से मिलकर बना। तो कौन कौन सा है देखेंगे, एगर और प्लस कल्चर, इन दोनों वर्ड से मिलकर के बना है आपका एग्रीकल्चर। इन दोनों मिलकर से वर्ड से मिलकर के आपका क्या बना है, एग्रीकल्चर बना है। और एगर का जो मतलब होता है वो होता है मृदा या स्वाइन, इसका मतलब क्या होता है, मृदा या मिट्टी या स्वाइन। और कल्चरा का जो मतलब होता है वो क्या होता है, कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब जोतना। तो अब इसका मतलब देखें कि दोनों को मिला करके क्या बनता है। तो एग्रीकल्चर का यदि टेक्निकली अंशतः जो है इसका परिभाषा बोलना चाहे तो एक लाइन में हो गया, खेतों को जोतना ही क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। एगर मतलब सॉइल या मृदा और कल्चर मतलब जोतना। तो इन्हीं दो लैटिन शब्दों से मिलकर के क्या बना, हमारा एग्रीकल्चर बना। तो इसका जो अंशतः जो मीनिंग होगा, जो शाब्दिक अर्थ होगा, वो क्या होगा, खेतों को जोतना। अर्थात एग्रीकल्चर क्या है, खेतों की जुताई ही क्या है, हमारा एग्रीकल्चर कहलाता है। अब देखेंगे ये तो हो गया कि किन दोनों शब्द से मिलकर के ये बना हुआ है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि कृषि की परिभाषा क्या है, कृषि क्या हो सकता। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कृषि में हम लोग क्या करते हैं, खेतों को जोतते हैं और उसमें से फसल को उगाते हैं, जो हमारे लिए क्या होता है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, जिसे हम जिससे हम अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं को की पूर्ति करते हैं, उसे बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि कृषि का जो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो कि हमारा वेस्ट चला जाता है। कृषि का जितना भी सारा उत्पाद होता है, जितना भी जो भी हमें मिलता है, वो सारा चीज़ क्या होता है, वो उपयोग में कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। तो उससे हम लोग क्या, सबसे पहले तो हम लोग उससे भोजन मिलता है, भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, जो
भोजन जो है वो हमारे लिए भी मिलता है और पशुओं के लिए भी मिलता है, दोनों के लिए भोजन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कृषि का जो उत्पाद बच जाता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि जलावन के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। और कृषि से ही हम लोगों को क्या मिलता है, जो हमारा वस्त्र बनता है वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी कृषि से ही मिलता है। कि वस्त्र का निर्माण किससे होता है, जो सूती वस्त्र बनते हैं मुख्य रूप से उसका निर्माण किससे होता है, कपास से होता है। और कपास हम लोग क्या करते हैं कि खेतों में लगाते हैं। ये जो है महाराष्ट्र के तरफ गुजरात के तरफ बहुत अत्यधिक मात्रा में लगाया जाता है, और कपास के उत्पादन से क्या बनता है, हमको वस्त्र मिलता है। तो यानी कि ये सब हमको क्या मिलता है कि कृषि से प्राप्त होता है। और सबको एक साथ हम लोगों को मिलाकर यदि कहना चाहें कि कृषि क्या है, तो कृषि मानव मात्र का वह कार्यकलाप है जिसके द्वारा पृथ्वी के, या हम लोग कह सकते हैं कि भूमि के इष्टतम उपयोग करके, यानी कि ऑप्टिमम, यानी कि ना ही हम लोग क्या करेंगे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर लेंगे और ना ही कम मात्रा में उपयोग करेंगे। यानी कि कम मात्रा में हम लोग उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तो हमें उत्पादन कम मिलेगा। यदि हम लोग ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर देंगे उससे भी हमको क्या होगा कि हानि ही होगा। उससे क्या होगा कि जो भी हमारा फर्टिलिटी होगा, जो भी सॉइल का उत्पादन क्षमता होगा, यदि कि आप उसका ज़्यादा उपयोग कर लेंगे तो भी क्या होगा कि भूमि का जो है वो उत्पादन क्षमता घट जाए। तो हमें ना ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना है और ना ही कम मात्रा में उपयोग करना है, यानी कि ऑप्टिमम जो इष्टतम उपयोग हो सकता है उस प्रकार से। तो कृषि का परिभाषा क्या हो सकता है कि कृषि मानव मात्र का वह कार्यकलाप है जिससे भूमि का इष्टतम उपयोग करके अपनी मुख्य रूप से पांच आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जो इंग्लिश में क्या आता है, यप से आता है, जो इंग्लिश का वर्ड क्या है, यप। और इसी से क्या होता है कि आपका पांचों चीज बन जाता है। तो सबसे पहले यप से क्या होता है, फूड होता है, यप से फूड। उसके बाद फीड, उसके बाद हमारा क्या होता है, फोडर, और उसके बाद हमारा क्या होता है, फ्यूल। उसके बाद हमारा यप से होता है फाइबर। इन पांचों आवश्यकताओं को क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। इन पांच चीजों के लिए ही क्या किया जाता है, हमारा कल्टीवेशन किया जाता है, जिससे क्या हो सके, जो मनुष्य है वो अपनी जीवन को आगे बढ़ा सके। चलिए तो देखते हैं कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। हम लोग से आशा करते हैं कि सारा जितना भी बता रहे हो नोट करते चलेंगे। तो फूड, फूड मतलब क्या होता है, भोजन। इसे सबसे पहले जो अत्यधिक आवश्यक चीजें हैं जिसके बिना किसी भी करके क्रियाकलाप नहीं हो सकता, वो क्या, हमारा भोजन। भोजन मनुष्य को बहुत ही आवश्यक जिंदा रहने के लिए। उसके बाद होता है फीड, फीड मतलब होता है दाना, यानी कि किसी भी कोई भी क्रॉप हम लोग उगाए उसका दाना भी क्रॉप प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यदि हम उसका दाना प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उसको अगले साल जो होगा उसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए दाना भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारा जो दाना होता है हम लोग क्या करते हैं, पशुओं को खिलाने में भी उपयोग करते हैं, ताकि वो भी जो है दूध का उत्पादन हो या मीट का उत्पादन हो अत्यधिक से अत्यधिक कर सके, यानी कि उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए शक्तिवर्धक के रूप में हम लोग क्या करते हैं, दाना का उपयोग करते हैं। उसके बाद एक फोडर, फोडर मतलब होता है चारा, चारा यानी कि जो भी हम घास उगाते हैं, जो भी पशुओं के लिए उगाते हैं, जो भी जानवरों के लिए खाने के लिए उगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारा। तो चारा भी जरूरी है, क्योंकि जब मानव सभ्यता का जिस समय विकास हो रहा था उसी समय से जो है इन्होंने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। तो जब मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया, तो जब पालतू बनाया तो उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था करेगा और अपना भी भोजन का व्यवस्था करेगा। तो अपना भोजन के व्यवस्था के साथ साथ पशुओं की भोजन की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है, ताकि उससे भी हमें अत्यधिक बहुत सारे प्रकार के पौष्टिक आहार मिल सके। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पशुओं को चारा देना होगा। उसके बाद है फ्यूल, फ्यूल मतलब क्या होता है,
की जलावत यानी कि आपके पास जलावन रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं कि भोजन को पका सकते हैं और खाने में अत्यधिक स्वादिष्ट बना सकते हैं। उसके बाद है फाइबर, फाइबर यानी कि रेशा। रेशा से हमको क्या मिलता है? रेशा से हमको वस्त्र मिलता है। तो इन सारी चीजों के लिए जो है हमारा जो है ये कल्टीवेशन किया जाता है। और ये चीज, ये जो है फूड है, फीड है, फोडर है, फ्यूल है, फाइबर है, इन पांचों चीजों को जो होती है बहुत ही आवश्यक होती है। तो भोजन हो गया, दाना हो गया और चारा हो गया, ये जो है कहीं ना कहीं आपको भोजन से ही रिलेटेड है। दाना भी क्या करेंगे, खाएंगे, चारा भी खाया ही जाता है। तो इन तीनों को लेकर के इसको एक साथ कर देंगे और ये दोनों अलग अलग रहेगा। तो इसका जो है परिभाषा इस कुछ इस प्रकार से बनेगा कि कृषि मानव मात्र का वह कार्यकलाप है जिसके द्वारा भूमि का इष्टतम उपयोग करके भोजन, वस्त्र के लिए रेशा एवं जलावन को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से जो आपका शॉर्टकट में डिफिनेशन बनेगा, तो आप दोनों डिफिनेशन में कोई भी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि कृषि मानव मात्र का वह कार्यकलाप है जिसके द्वारा भूमि का इष्टतम उपयोग करके पांच मनुष्य के पांच आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और वो किस चीज से स्टार्ट होता है? इंग्लिश अंग्रेजी के यम वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या है आपका फूड है, फीड है, फोडर है, फ्यूल है और फाइबर है। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और यदि शॉर्टकट में लिखना चाहे तो आप इस पे भी जा सकते हैं कि कृषि मनुष्य मात्र का वह कार्यकलाप है जिसके द्वारा भूमि का इष्टतम उपयोग करके भोजन, वस्त्र के लिए रेशा एवं जलावन प्राप्त करना। ये हो गया आपका कृषि की परिभाषा। अब हम लोग चलेंगे कि कृषि एक परिचय, यानी कि कृषि का परिचय क्या, हम लोग जानेंगे कि कृषि एक परिचय। ये हमारा जो है टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, कृषि एक परिचय। तो कृषि का जो विकास है वो मानव के विकास के साथ ही हुआ, यानी कि जिस समय से मानव का विकास हुआ है उसी समय से धीरे धीरे भी कृषि का विकास हुआ है। यानी कि जब मानव जिस टाइम क्या हो रहा था कि धीरे धीरे पहले मानव के जो प्रजाति थे, मानव के जो पूर्वज थे, वो पहले क्या थे, जिस प्रकार से अभी हम लोग मानव के रूप में देख रहे हैं, जिस प्रकार से अभी हम लोग हैं, उस प्रकार से पहले नहीं थे। कहा जाता है कि अभी जो हम जो मानव है, हमारा जो पूर्वज है वो क्या है, बंदर। हमारा जो पूर्वज थे वो कैसे थे, वो बंदर थे। और कैसे चलते थे, वो चार पैर पर चलते थे। तो उन्हें भी खाने की जरूरत होती थी, उन्हें भी पीने की जरूरत होती थी, खाने पीने की। तो उन अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उन्हें भी क्या चाहिए था कि भोजन चाहिए था। तो जिस समय से जो है मानव विकास का इतिहास है, उसी समय से हमारा जो है कृषि का भी इतिहास धीरे धीरे चलते आ रहा, उसी समय से जो है कृषि का धीरे धीरे विकास हुआ। पहले जब मानव चार पैर पर चलते थे तो क्या करते थे कि जो भी जंगल में कंदमूलें थी, यानी कि जड़ें थी, कुछ जो फल थे, फूल थे, उसको यानी कि वो खा करके पहले गुजारा करते थे। यानी कि पहले जो हमारा पूर्वज थे, जो बंदर थे, पहले का जो मानव था वो पहले पूरी तरीका से क्या था, शाकाहारी था, पहले वो मांसाहारी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हो गया कि भोजन आप जो है उसी समय जो है धीरे धीरे पशु भी विकास कर रहे थे, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से जो है धीरे धीरे बहुत जानवरों का भी धीरे धीरे क्या हुए, विकसित हुए, जानवर भी धीरे धीरे बढ़ने लगे संख्या में। तो अब देखा जाने लगा कि जो है बंदर का जो भोजन था वो अब लोग कुछ हद तक जानवर भी उपयोग करने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से क्या हो गया कि भोजन की कमी पड़ने लगी। और जो मानव जो पहले चार पैर पर चलते थे तो चार पैरों को चलाने में उसको क्या होता था कि ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता था, ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। तो इसके लिए धीरे धीरे मानव ने क्या किया कि दो पैरों पर चलना स्टार्ट किया। और जब दो पैरों पर मानव ने चलना स्टार्ट किया तो उसके लिए क्या होता है, एनर्जी भी कम, ऊर्जा का कम लगता था। और वो जब उनके पास शक्ति होगी, कम शक्ति की जरूरत पड़ती थी जब वो दो पैरों पर चलने लगे। और इससे क्या हुआ कि उनका जो शक्ति था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सेव होने लगा, यानी कि बचने लगा। अब दो पैरों पे चल करके क्या होते थे कि
जो धीरे धीरे जो मनुष्य का विकास हो रहा था वो अब अत्यधिक दूर तक जा सकते थे। और इस प्रकार से जो है अत्यधिक दूर तक जब जाएंगे तो क्या करेंगे कि ज्यादा मात्रा में भोजन वो खोज पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है मानवों ने धीरे धीरे उसका बुद्धि का विकास हुआ और बहुत दूर तक धीरे जा करके क्या होगा कि चीजों को आइडेंटिफाई करने लगा, चीजों को चिन्हित करने लगा कि ये जो है हमारा भोजन के काम आ सकता है। और बहुत सारे वनस्पतियों को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जब इसको खाएंगे तो इसके खाने से हमको ऊर्जा मिलेगा, इसके खाने से हमारा पेट भर जाएगा। तो उन सब चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसे जो है कृषि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। कृषि की परिभाषा के अनुसार कृषि की संज्ञा तभी दी जा सकती है जब उन्होंने खुद से अपना भोजन क्या करना लग उत्पादन करना सीख लिया, तब जाकर के उसे जो है यानी कि ये कृषि की संज्ञा दी जा सकती है। तो जिस प्रकार से मानव धीरे धीरे विकास किया उसी प्रकार से जो है उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि चीजों को भी आइडेंटिफाई करने लगा, चिन्हित करने लगा कि ये हमारे खाने का काम आ सकता है। और सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्होंने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट किया। अब जब जानवर का धीरे धीरे पालतू बनाना स्टार्ट किया तो कुछ समय में उसको जब बहुत सारे कंदमूले थी, फूल फल थी, तो उन्होंने जब खाया तो उसे भी अच्छा लगा। तो वो क्या किया कि धीरे धीरे उन चीजों को भी लाया और बीज को जो जो है वो मिट्टी में बो करके पौधों को उगाया और बहुत सारे चीज के फसलों को उन्होंने उगाया। और इस प्रकार से जो उन्होंने देखा कि इन सारी चीजों से हमारे भोजन की पूर्ति हो सकती है और इस प्रकार से जो है हमारा जो है कृषि धीरे धीरे विकास में आया। तो ये थी कृषि एक परिचय के रूप में कि किस प्रकार से धीरे धीरे जो हमारा कृषि विकसित हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि प्राक वैदिक काल में क्या क्या चीजें हुई। तो प्राक वैदिक काल जो है प्री वैदिक पीरियड जो है कब से कब माना जाता है तो 10,000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 10,000 BC से लेकर के कहां तक आपका माना जाता है तो ये 1500 BC तक जो माना जाता है वो प्राक वैदिक काल यानी कि वैदिक काल से पहले जिस समय वैदिक वेदों की रचना नहीं हुई थी। तो उससे पहले जो है कहां तक कहां माना जाता है 10,000 BC से लेके 1500 BC तक। उसके बाद जो है 1500 को 1500 के बाद जो उसके बाद 1500 BC से लेकर के 600 BC तक जो आता है वो हमारा आता है वैदिक पीरियड यानी कि उसी समय उसी के बीच में हमारा वेदों का निर्माण हुआ। तो इसके बाद देखें कि इन दोनों समयों के बीच में क्या क्या हमारी घटनाएं हुई। तो धीरे धीरे जब सबसे पहले क्या थे 10,000 ईसा पूर्व तक 10,000 BC तक जो थे वो मानो क्या थे हंटिंग और गैदरिंग हो करके यानी कि एक जगह जुट करके भीड़ जमा करके वो क्या करते थे पशुओं का शिकार करते थे और उसी का मुख्य रूप से भोजन के रूप में उपयोग करते थे। और इस समय जो है वो लोग जानवरों को यानी कि कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाना स्टार्ट किया। तो 10,000 BC में जो हुआ वो क्या हुआ वो यानी कि जो ये आदि मानव थे वो पशुओं का शिकार करके खाते थे। पशुओं का शिकार करना और एवं क्या कुत्ता का कुत्ता को पालना ये क्या हो गया 10,000 BC में। उसके बाद हम लोग आते हैं कितना 8,700 यानी कि 8,700 BC में क्या हुआ तो उसमें जो हुआ आपका मुख्य घटना वो क्या हुआ भेड़ को पालतू बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद इसमें भेड़ को पालतू बनाना स्टार्ट किया कब 8,700 8,700 आप आइए 10 साल नीचे यानी कि 7,700। तो 7,700 BC में क्या हुआ कि उन्होंने फिर भेड़ पालना स्टार्ट किया। उसके बाद जो है इन्होंने बकरी पालना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 7,700 BC के बाद हम लोग आएंगे आपका 7,500 BC। तो 7,700 BC में मुख्य घटना आपका ये रहा है कि इस समय जो है
गेहूं की खेती किया जाने लगा। और ये जो है आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पूछा तो कोई भी जा सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से पूछा जा सकता है कि बताइए कि गेहूं को, गेहूं का जो उत्पादन है, ये कल्टीवेशन है, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो कब से स्टार्ट हुआ? 7500 BC में। गेहूं और जौ, गेहूं और जौ का जो कल्टीवेशन है जो कब से किया जाने लगा, तो कब से कृषि में आया, तो वो 7500 BC में आया। गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाने लगा कब? 7500 BC में। उसके बाद आते हैं 7500 BC से हमारा है 6000 BC में हमारा क्या घटना हुई? तो 6000 BC में जो है कैटल कहते हैं गाय को, मेनली रूप से कैटल किसी कहते हैं गाय को, गाय और सुगर को इस समय जो है पालतू बनाना स्टार्ट किया। और उसके बाद है 6000 BC से हम लोग आए हैं उसके बाद 4400 में क्या घटना हुई? तो 4400 में मूल घटना आपका ये रहा है कि 4400 ईस्वी में आदि मानवों ने क्या किया कि मक्का का उत्पादन जो है करना स्टार्ट कर दिया, मक्का का उत्पादन होने लगे। उसके बाद हम लोग आते हैं 4400 के बाद आते हैं हम लोग 3500 ईस्वी। तो 3500 ईस्वी में क्या हुआ कि 3500 BC में आपका जो है पोटैटो यानी कि आलू का उत्पादन शुरू हुआ। ये पोटैटो का उत्पादन क्या कहां हुआ? 3500। उसके बाद आते हैं हम लोग 3500 के बाद आते हैं 3400 में। तो 3400 ईस्वी में क्या हुआ? 3400 में व्हील का इन्वेंशन हुआ यानी कि पहिया का खोज हुआ। कब? 3400 BC में। युवा आपका कब? आपका 3400 BC में। 3400 BC के बाद आप आइए कितना में? 3000। तो 3000 BC में क्या हुआ आपका जो है ब्रोंज यानी कि कांसा का खोज हुआ। कांसा का खोज हुआ कब हुआ? 3000 BC। उसके बाद कांसा के बाद है आपका 2900 BC में अब क्या हुआ कि कांसा का खोज हो गया। तो कांसा का खोज होने हो जाने के बाद क्या हो गया? बहुत सारे अब टूल्स बनाना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारा औजार बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमको ये हंटिंग जो होता है वो शिकार करने में पशुओं का या जानवरों का आसानी हो जाए। तो उसके बाद जो है कांसा का उत्पादन हुआ। उसके बाद 2900 ईस्वी में इसने क्या किया? पुलाव बनाना स्टार्ट किया। पुलाव मतलब हल का निर्माण किया। तो आपका 2900 ईस्वी में क्या हो गया? हल का निर्माण हो गया। उसके बाद 2900 ईस्वी में हल का निर्माण हुआ और उसके 3400 में पहिया का ये खोज हो जाने के बाद से क्या हुआ कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चीजों को ले जाना, वो क्या हो गया? अब आसानी हो गया था। तो 2900 ईस्वी में किसका खोज हुआ? उसके बाद हल का हुआ। जो है हम आते हैं 2900 ईस्वी के बाद 2700 ईस्वी। तो 2700 ईस्वी में क्या हुआ? 2700 BC में हमारा रेशम कीट का पालन जो है चाइना में स्टार्ट हुआ। चाइना में रेशम कीट का पालन कब स्टार्ट हुआ? तो 2700 BC। रेशम कीट का पालन कब स्टार्ट हुआ? तो 2700 BC। इसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग 2300 BC में। तो 2300 BC में आपका क्या हुआ कि चना, कपास एवं सरसों का जो कल्टीवेशन है वो भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2300 में आते हैं, उसके बाद 2200 में जो सबसे आपका इम्पोर्टेंट घटना है वो क्या हुआ, जो अभी जो है पूरे विश्व में सबसे जिसका ज्यादा उत्पादन किया जाता है भोजन के लिए वो है चावल। और आपका 2200 ईस्वी में जो है चावल का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। चावल का जो है यहाँ से यानी कि उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे? 1800 ईस्वी। तो 1800 ईस्वी BC, तो 1800 BC में क्या हुआ आपका? रागी का कल्टीवेशन जो है
किया जाने लगा। उसके बाद सबसे लास्ट में जो आता है हमारा, वो आता है 1725 BC। तो 1725 बीसी में आपका क्या किया जाने लगा, आपका ज्वार का जो है उत्पादन किया जाने लगा। तो ये थी, ये सारी थी हमारा जो है कि प्री वैदिक पीरियड में जो है क्या क्या हुआ है। तो धीरे धीरे जो है प्री वैदिक पीरियड में सबसे पहले ये आदि मानव जो ने क्या किया था, सबसे पहले पशुओं को पालतू बनाना स्टार्ट किया। अब जब पालतू बनाना, और 10,000 बीसी में क्या करते थे कि वो पशुओं को पालतू बनाते थे, और जो उनको क्या करता था कि जब शिकार करने के लिए जाते थे तो उसको वो मदद करता था। यानी कि अभी भी आप देखते हैं कि जो भी है कभी कभी गांवों में, यानी कि बाहर से कुछ लोग आते तो वो कुत्ता लेकर के आते, वो क्या करती है कि बिल्ली को वगैरह को पकड़ने में वो आसानी कर देती है मनुष्य को। तो इस प्रकार से जो है वो 10,000 बीसी में जो जब उन्होंने क्या किया कि जानवरों को, कुत्ता को पालतू बनाना स्टार्ट किया, तो कुत्ता क्या करता था, उनको शिकार में मदद करता था। और जो भी अन्य जानवर थे, जैसे कि उसके बाद 1700 में भेड़ का हो गया, उसके बाद 1700 में बकरी का हो गया, तो इनके क्या आते थे कि इनके भोजन के काम आते थे। जब ये बकरी को पालतू बनाया तो बढ़ जाते थे, तो इसको काट करके खा जाया करते थे। तो ये हो गया। तो कृषि का जो मुख्य जो आधार रहा है वो कहां से कहां तक रहा है, पशुओं को, जानवरों को पालतू से बनाने से ही क्या हो गया कि यहीं से हमारा जो है इसका जो कृषि का जो आधार है वो कहां से स्टार्ट हुआ, मुख्य रूप से 10,000 से लेकर के जो है ये 1700 ईस्वी तक, यहीं से जो है हमारा मुख्य रूप से कृषि का शुरुआत हुआ। और धीरे धीरे जो है उसके बाद जो है गेहूं और जौ का भी धीरे धीरे कल्टीवेशन किया जाने लगा। और सबसे पहला जो कल्टीवेशन किया जाने लगा वनस्पतियों का, वो कहां से किया जाने लगा, तो गेहूं और जौ से, यानी कि 7500 ईस्वी से जो है इन वनस्पतियों का, यानी कि पेड़ पौधों का जो है, फसलों का जो है वो पालतू बनाया जाने लगा। पालतू बनाने का मतलब क्या है कि उसको अपने एक देख रेख में रखना और उसको अच्छे से ग्रो करना, यानी कि उसको अच्छे से बढ़ाना, पालन पोषण करना। तो 7500 बीसी से गेहूं और जौ का उत्पादन किया जाने लगा। और धीरे धीरे जिस प्रकार से जो है वो चिन्हित करते गए चीज़ों को कि ये जो हमारा खाने में काम आ सकता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने क्या किया और भी बहुत सारे चीज़ों को धीरे धीरे इन्होंने ये कल्टीवेशन में लाना स्टार्ट किया, यानी कि अपने देख रेख में इसको पौधों को उगाना स्टार्ट किया। और इस प्रकार से जो है बहुत सारे चीज़ों को ये अपने कल्टीवेशन में लगाने लगे अपने खेतों में, यानी कि खेतों को जोत करके। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे कृषि का विकास हुआ। तो आज तक हम लोग यही रखते हैं, और आगे हम लोग जो भी हमारा टॉपिक है क्लास 11 जो NCERT बुक में दिया गया है, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।